इस दौरे से क्या हासिल होगा इंडिया को, और डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं? कहीं वो इलेक्शन की कैंपेन तो चलाने नहीं आ रहे, क्योंकि बड़ी तादाद के अंदर इंडियंस अमेरिका के अंदर हैं और डोनाल्ड ट्रंप दोबारा इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो क्या वो सारी सूरत हाल के ऊपर की होगा? तीसरा ये कि पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी क्या है, पाकिस्तान इन तीनों चारों चीज़ों के ऊपर हम वाकई टारगेटेड हैं, हम कश्मीर वाले मामले को उसी तरह से आगे लेकर जा रहे हैं उन्हीं तरीकों से जिस रफ्तार से हम आगे जाने की कोशिश कर रहे थे। ये जो हम देख रहे हैं कि यूरोप के अंदर कश्मीर वाले मामले पर आवाज़ उठती है लेकिन इंडियंस ज़्यादा हावी होते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा हैं तादाद के अंदर, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, लॉबिंग भी करते हैं, उनकी एडवोकेसी भी बड़ी मजबूत है। हुकूमत पाकिस्तान जो पिछली रही मुस्लिम लीग नून के दौर की, वो ज़रा डी फोकस थी कश्मीर के मामले पे, मौजूदा हुकूमत ज़्यादा फोकस है। पाकिस्तान को क्या तवक्कुआत रखनी चाहिए? वो जो एक मामला था जिसका हम बार बार जिक्र सुनते हैं, इमरान खान साहब की जब मीटिंग होती है तो हम देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं कश्मीर पे मैं सॉलिसी के लिए तैयार हूँ। हिंदुस्तान के अंदर इस वाले पॉइंट के ऊपर बेचैनी देख रहे हैं आप, और वाकई क्या अमरीका संजीदा है कि कश्मीर की बात करेगा इंडिया में जाके? पाकिस्तान को, हुकूमत पाकिस्तान को, पीटीआई की गवर्नमेंट को, वजीर आजम पाकिस्तान को, आप क्या समझते हैं कि क्या उम्मीदें हैं इससे? पाकिस्तान को क्या हासिल हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के विजिट से? हमें क्या हासिल होगा, हमें किस चीज़ के ऊपर नज़र रखनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल से सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान को इस दौरे से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए, इससे कि मैं नहीं समझता कि कोई भी, चाहे वो इलेक्शन ईयर को तो छोड़ दीजिए, कोई भी सरबराह ममलिकत किसी मुल्क में जब दौरा करता है तो वो उस मुल्क में उस मुल्क की जाके बुराई या उस हुकूमत को बुरा कहता है, ये डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के ख़िलाफ़ है। चाहे क्लोज डोर मीटिंग में कोई भी बात की जाए, पब्लिकली वो ये बात नहीं कहेगा। ठीक है, हमने जो कुछ इस वक्त तक कोशिश की है वो ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो पाकिस्तान को कंटिन्यूसली कंडेम कर रहा था, कंटिन्यूसली कह रहा था कि सारी टेररिज्म जो है उसकी जड़ जो है पाकिस्तान में है, जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है वो पेंडुलम हम दूसरी तरफ ले गए, और आज अमेरिका हमारे पीसफुल होने का और हमें जो है क्रेडिट देता है कि हम रीजन में स्टेबिलिटी लाने की फोर्सेज हैं और रीजन में हम पीस को प्रमोट कर रहे हैं। पाकिस्तान को यूरोप के मामले में अब क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, किस तरह हुकूमत पाकिस्तान एक्ट करे यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ और यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर? एक तो सबसे पहले ये है कि जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी यूरोप के जिस मुल्क में रहते हैं, हमें उनको सबसे पहले पाकिस्तानी बनाना है, क्योंकि यहाँ की जो सियासी जमातें हैं, इनके जो सियासी विंग हैं वहाँ पर, मजहबी जमातों के विंग हैं वहाँ पर, सबसे पहले तो मौजूदा गवर्नमेंट को, ये भी जैसे नकवी साहब फरमा रहे थे कि ये चीज़ें अभी, ट्रंप तो मशहूर है यू टर्न लेने में, तो वो टाइम नहीं लगाएगा अभी, वो ट्रंप जो है वो अपने मोदी के पास जा रहा है। मोदी तो हमारे वजीर आजम भी लेते हैं, देखिए कहते हैं वो अकलमंदी का काम, बाहर अकलमंदी का है, तो ये अकलमंदी से हम अपने बड़े नुकसान कर लेंगे। और अभी बात हो रही है कि कश्मीर के ऊपर मौजूदा हुकूमत ने बड़े काम किए हैं, करने चाहिए, और मैं आपके प्रोग्राम से कहता हूँ कि कश्मीर का जो मिनिस्टर है वो तो कुछ ठीक लगा दे जो कहीं नज़र आए। जब से 5 अगस्त हुई है मुझे बताएं वो कश्मीर का मिनिस्टर कहाँ नज़र आया। एक बात तो ये, तो यहाँ का मामला है अच्छा, इस पर होना चाहिए। दूसरा, जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, हमें अपने मिशन के साथ जो हमारे कौंसलेट हैं, अम्बेसी हैं, उनको और कम्यूनिटी में जो गैप है ये ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि यूरोपियन पार्लियामेंट में जो लोग हैं वो हम उनके वोटर और सपोर्टर हैं। जब हमारे अम्बेसीज और कम्यूनिटी में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा गैप है, कहते हैं कि डिवाइड एंड रूल, ये ख़त्म होने चाहिए। बल्कि शाह महमूद कुरैशी साहब से 2-3 मीटिंगों में ये मैं कह भी चुका हूँ, मैं पिछले साल 30 कम्युनिटी के इश्यूज रहेंगे, ग्रुप बंदी रहेगी, ग्रुप पार्लियामेंट के अंदर कैसे जाएं? यूरोपियन पार्लियामेंट में पाकिस्तानी हुकूमत की स्ट्रेटजी क्या है? ठीक है, पाकिस्तानी कम्युनिटी में जितनी बार भी गया हूं 500 मस्जिदें बना के बैठे हुए होते हैं कम्युनिटी के लोग, हर पार्टी की 10 मस्जिदें होती है। फैसल साहब, इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बजाय इस वक्त टाइम ये है कि कश्मीर वाले मसले के ऊपर पार्लियामेंट में अंदर कैसे जाए? पार्लियामेंट सऊदी अरब के अंदर बहुत पॉजिटिव किस्म की तब्दीलियां आ रही हैं। मोहम्मद बिन सलमान साहब ने सऊदी अरब को एक ऐसे मुल्क के तौर पर आगे ले जाने का फैसला किया है जिसके अंदर शायद पाकिस्तानियों को तब्दीलियाँ समझ ही ना आए। वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर सिनेमा हाउसेज खुले हैं, राइट्स मिल रहे हैं, ख्वातीन को राइट्स मिले थे, अब ख्वातीन को ऐसे राइट्स मिल रहे हैं कि टैक्सियाँ ख्वातीन चलाएंगी।
सियाहत के मामले के अंदर बहुत ओपन हो गया, 500 बिलियन डॉलर का एक नया शहर बनाया जा रहा है, एक बड़े पैमाने पर मेरा ख्याल है दुनिया की सबसे बड़ी गैस के ज़खायर अभी दरियाफ्त हुए हैं सऊदी अरब के अंदर, यानी कि 175 किलोमीटर की एक पट्टी है और 100 किलोमीटर चौड़ी है जिसके अंदर गैस दरियाफ्त हुई है, बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ आ रही हैं। मैं चाहता हूँ वो थोड़ा सा फुटेज देखिए सऊदी अरब के अंदर ये जो तब्दीलियाँ हैं, एक टूर्नामेंट हो रहा है ताश का जिसके अंदर 16,000 टीमों ने शिरकत की है, शायद दुनिया के अंदर कोई ऐसा खेल का मुकाबला नहीं होता जिसके अंदर 16,000 टीमें हों, 6 की 6 टीमों के दरमियान मुकाबला है कि जो पहले नंबर पर आएगी उसे 10 लाख रियाल दिए जाएंगे। खवातीन को टैक्सी चलाने के अहकाम दे दिए, लाइसेंसिंग हो रही है, फुटेज देखिए आप हैरान रह जाएंगे। दिखाइए अहमद साहब, ये फसल दिए गए और गाड़ियाँ दी गई हैं सऊदी अरब में जहाँ पे खवातीन के पास राइट्स नहीं होते थे, बहुत पाबंदियाँ हुआ करती थी, वहाँ अब एक बहुत एतदाल पसंद प्रोग्रेसिव माशरा जन्म ले रहा है। मोहम्मद बिन सलमान इसको लीड कर रहे हैं, दुनिया के बेहतरीन अलूम जो हैं उसके ऊपर काम किया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसके ऊपर काम किया जा रहा है। ये सारी तब्दीलियों के ऊपर जो नज़र रखने वाली पाकिस्तानी शख्सियत हैं, मैं बार बार उनको अपने प्रोग्राम में भी शामिल करता हूँ। आज फिर मेरे साथ मौलाना ताहिर अशरफी साहब मौजूद हैं। ताहिर अशरफी साहब, खुश आमदेद प्रोग्राम में। ये जो तब्दीलियां सऊदी अरब के अंदर आ रही हैं, इतनी पॉजिटिव तब्दीलियां आ रही हैं, सारे पाकिस्तानी सऊदी अरब जाने के लिए दुआएं मांगते हैं, उमरा करते हैं, हज करते हैं, कमेटियां डालते हैं, वह पहुंच जाते हैं। अब वहां पर एक 500 बिलियन डॉलर का एक नया शहर बन रहा है, खवातीन को राइट्स मिल रहे हैं, खेलों के मुकाबले हो रहे हैं, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप्स वहां पर हो रही हैं, सिनेमा खुल रहे हैं, कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, बिल्कुल मंजरनामा ही बदल गया है सऊदी अरब का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहू वनसल्ली वनसल्लिमु अला रसूलिल करीम। देखिए मैं आपसे अर्ज करूं कि सऊदी अरब की दो हैसियतें हैं जी। एक हैसियत है कि वो दुनिया में एक बहुत बड़ा मुल्क है जिसकी एक बेहतरीन इकॉनमी है, जिसके अंदर एक बेहतरीन कौम है, और एक उसकी हैसियत है जो मुसलमानों के लिए ईमान और अकीदे और जान से भी ज्यादा अजीज है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब की इकॉनमी जो है वो उससे अगर इस्तेफादा हुआ है दुनिया में तो वो सबसे ज्यादा मजलूमों को और मुसलमानों को हुआ है। और आपने देखा कि ये जो गुज़श्ता साल गुजरा है इसमें अक़वामे मुत्तहिदा ने भी ये कहा है कि सबसे ज्यादा अगर दुनिया में मजलूमों की किसी ने मदद की है, फुकरा मसाकीन की, जंगी जो इलाके हैं महाजरीन की, तो वो सऊदी अरब ने की है। इसी तरह सऊदी अरब के अंदर एक तब्दीली, मोहम्मद बिन सलमान का एक विजन है 2030, जिसमें वो कहते हैं सिर्फ सऊदी अरब नहीं, वो तो ये कहते हैं कि मैंने पूरे अरब और इस्लामी ममालिक को उनके कदमों पे खड़ा करना है, हमें अपने कदमों पे खुद खड़ा होना चाहिए, वो असले का मामला हो, वो मईशत का मामला हो, वो बाकी मामला हो। और सऊदी अरब इसी तरफ आगे चल रहा है, बहुत सी चीजें जो बाज़ नजर नहीं आती थी वो जो आप नजर आ रही हैं, तो वो एक दायरा कार के अंदर हैं, एक है जिसे आप कहते हैं कानून के दायरे में, अखलाक के दायरे के अंदर हैं। और मैं समझता हूं कि सऊदी अरब के अंदर जो दुनिया कह रही है कि तब्दीली आ रही है, मैं समझता हूं ये तब्दीली नहीं है जी, बल्कि सऊदी अरब ने हमेशा, जहां खवातीन के हकूक की बात है तो मेरा ख्याल है जितनी महफूज सऊदी अरब में खवातीन है दुनिया में कहीं नहीं। बिल्कुल सही। अच्छा ये बताइए, जो तब्दीलियां हैं बड़ी पॉजिटिव तब्दीलियां हैं, वीजों की से मुतालिक बहुत तब्दीलियां हैं, इन्वेस्टमेंट से मुतालिक तब्दीलियां हैं, खेलों से मुतालिक तब्दीलियां हैं, बहुत अच्छी तब्दीलियां हैं, पाकिस्तान को इससे क्या सीखना चाहिए? पाकिस्तान बहुत फॉलो करता है सऊदी अरब को, मेरा ख्याल सबसे ज्यादा पाकिस्तानी सऊदी अरब को फॉलो करते हैं। पाकिस्तान ने, मैं समझता हूँ कि हमें एक बात बड़ी वाजे सऊदी अरब से सीखने की और समझने की है कि हमें अपने मुल्क की सोचनी चाहिए, एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म और इंतहा पसंदी और ये जो एक बिल्कुल हमने ये फिक्र बना ली है कि जो मेरा फिक्र है बस उसके सामने जो कोई भी है वो काबिले कबूल नहीं है। सऊदी अरब में आज भी निजाम हुकूमत में मुफ्ती आजम जो है उनका जो असर है और जो उलमा का असर है वो कम नहीं हुआ, बल्कि मैं समझता हूँ बहुत सी जगहों पर ज्यादा हुआ है। अच्छा, लेकिन सऊदी अरब वो मुल्क है कि अफगानिस्तान के जिहाद में आपने देखा कि बहुत अरब आए थे और सऊदी अरब भी उन ममालिक में से एक था जिसने अफगानिस्तान के जिहाद में मदद की थी, लेकिन फिर उन्होंने अपने नौजवानों की इस्लाह भी की, उनको दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के डगर पे नहीं चलने दिया। और जिस तरह पाकिस्तान ने, क्योंकि आज आपके प्रोग्राम में आपको पता है कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद का कल से एक
तीन साल या चार साल मुकम्मल हुए हैं, तीन साल और उस हवाले से तो मैं ये बात जरूर कहूंगा कि जिस तरह सऊदी अरब के उलमा और हकूमत और आवाम ने मिलकर इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी, फिरका वाराना तशद्दुद और एक्सट्रीमिज्म की सोच पर काबू पाया है सऊदी अरब, जिस तरह काबू पाया पाकिस्तान को भी इस तरह काबू पाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।